अनिल जी, देखिए कई सारे शेयर्स हैं जिनमें जबरदस्त मोमेंटम बनते हुए दिख रहा है मुझे। आईटी स्पेस बड़ा अच्छा लग रहा है और निफ्टी आईटी इंडेक्स में भी ब्रेकआउट हुआ है। मैंने शुक्रवार को टेक महिंद्रा की बात की थी, उसमें जबरदस्त तेजी बनी, मुझे लगता है तेजी अभी भी कायम रहेगी। लेकिन आज जो पिक है यानी कि वो है कोफोर्ज। कोफोर्ज में भी मुझे लगता है कि बहुत अरसे बाद एक वापस से मोमेंटम बना है। फ्राइडे को एक गैप अप ओपन हुआ, उसके बाद एक ब्रेकआउट आता हुआ चार्ट पर दिख रहा है। इंट्राडे चार्ट पर डबल बॉटम पैटर्न बना है और डेली चार्ट पर एक कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट हो रहा है। तो मेरी राय में कोफोर्ज भी पूरे सप्ताह तेज रहना चाहिए, पूरा आईटी स्पेस पर फोकस रहना चाहिए। तो कोफोर्ज बाय करके चलें, यहां पर एक 6030 पर 6030 पर स्टॉप लॉस रखकर खरीदारी करें। पहला टारगेट होगा 6250 रुपए का, 6250 का इवेंचुअल टारगेट 6350 का। तो 6250-6350 के टारगेट के लिए कोफोर्ज में मेरी खरीदारी करें। ओके, तो कोफोर्ज में करें खरीदारी। कोफोर्ज में शुक्रवार को कुछ बड़ा ट्रेड होता हुआ भी दिखा था, मेरे ख्याल से बड़े फंड की तरफ से एक घटाने का मामला आया था। 43,000 शेयर्स, आई थिंक एसबीआई म्यूचुअल फंड, एसबीआई म्यूचुअल फंड 43,000 शेयर कोफोर्ज के बेचे थे। जी हाँ, ये आपके लिए खबर आती हुई दिख रही, तो इस पर भी ध्यान रखिएगा, ये आपके लिए। आइए,